हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में। दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा पिछली वीडियो, सुकुना लेक और लेक के बाद हम लोग जो यहां पर बर्ड सेंचुरी है वो देखने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या है कि वही है कि आज 2 अक्टूबर की वजह से आज यहां पर भी क्लोज है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बर्ड सेंचुरी और यहाँ पर कई तरह के पक्षी होते हैं और ये आप सामने देख रहे हैं जंगल ही जंगल है। और आज जो है कि हम लोग का बैड लक है, जो है कि आज हम लोग संडे समझकर यहाँ पर आए। और बात ये थी कि ये भी क्लोज है दोस्तों। जैसे कि आप सब ने मेरी पहली वीडियो देखा कि जो महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल जो पार्क था वो भी बंद था उसकी वजह से, 2 अक्टूबर की वजह से। तो ये भी दोस्तों आज क्लोज है और 2 दिन यानी कि वैसे ये मंडे और ट्यूजडे 2 दिन बंद रहता है, संडे को ओपन रहता है, लेकिन आज 2 अक्टूबर है इसकी वजह से बंद है। और सामने आप देख रहे हैं ये पार्किंग है बर्ड सेंचुरी की। ये दोस्तों ये कुछ सीन था जिसमें कि आप सबने देखा कि पहला मेरा जो हम लोग जो चिड़ियाघर देखने आए थे वो बंद था, सेकंड ये बंद है बर्ड सेंचुरी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ बर्ड पार्क। टाइमिंग दोस्तों 10 से शाम 6 बजे तक मॉर्निंग, और मंडे और ट्यूसडे क्लोज होता है। और यहाँ क्लोज का यहाँ स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बाकी अंदर है, अंदर भी एक ये गेट सा है बाकी। दोस्तों ये बर्ड पार्क की पार्किंग है और ये आप देख रहे हैं जंगल टाइप में है दोस्तों। ये अंदर काफ़ी बड़ा सा जंगल है और क्योंकि ये बिल्कुल ही रॉक गार्डन के बिल्कुल साथ में सटा है और पास में ये कैमल हैं, ऊँट आप देख सकते हैं। इनसे पूछते हैं क्या सवारी लेते हैं। क्या हाल है जी? बढ़िया। ये बच्चों की सवारी कितने में देते हैं? कैसे? 50 रुपये। 50 रुपये? कहाँ तक तो घुमाते हैं? राउंड तक। अच्छा अच्छा तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो बच्चों को कैमल राइड करवा सकते हैं, आगे दूर तक बच्चों को ये घुमा सकते हैं। सामने भी कुछ है क्या, पार्क है क्या है सामने? सामने बच्चों का खेलने वाला। अच्छा अच्छा जिम टाइप में। अच्छा ये दोस्तों कैमल। रेगिस्तान का जहाज इसको कहते हैं दोस्तों, आप सबको पता ही है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जो बर्ड सेंचुरी देखने के बाद एक हमारी सिस्टर लगती हैं, हमारे जो साथ में आए हुए हैं विवेक भैया, उनकी एक सिस्टर हैं, उनके घर पर आ गए दोस्तों। और अभी हम लोग उन्हीं के घर पर हैं और सामने आप देख रहे हैं उनके घर से सामने लोकेशन आप देख रहे हैं, कितनी बढ़िया लोकेशन दिख रही है। और सामने हम लोग बाइक अपनी पार्क किए हैं। बाकी दोस्तों टाइम काफ़ी हो गया, हम लोग लुधियाना से सुबह 8 बजे चले थे, 8 बजे के बाद जो है कि जो चिड़ियाघर गए थे, चिड़ियाघर जाने के बाद हम लोग सीधा जो रॉक गार्डन था वहाँ गए, फिर सुकुना लेक गए। सुकुना लेक के बाद जो है कि हम लोग जो बर्ड सेंचुरी था वहाँ गए, वहाँ से दोस्तों फिर काफ़ी टाइम हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ से फिर हम लोग अब निकलेंगे लुधियाना के लिए। आइए दिखाते हैं आपको जो हमारे दोस्त विवेक जी हैं उनकी सिस्टर का जो घर है वो दिखाते हैं।
हाँ जी तो विवेक जी है, फ्रेश हो गए बोलिए। और ये जीजा जी का घर है। हेलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। ओ जीजा जी नमस्ते। नमस्कार। तो जीजा जी यहाँ पर जो है कि राजभर समाज सुधार समाज मतलब राजभर राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ के प्रधान है। और ये एरिया क्या नाम है जीजा जी? ये धनास है। धनास फ्लैट चंडीगढ़। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से जब चले थे, फिर यहाँ जीजा जी फ़ोन किए कि नहीं हमारे पास आइए, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। और फिर यहाँ से दोस्तों बस निकलने वाले हैं लुधियाना के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम यहाँ से फिर सीधा लुधियाना के लिए निकलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं चंडीगढ़ टू लुधियाना, क्योंकि दोस्तों 5:30 हो गया है और 5:30 लगभग 2.5 घंटा प्लस लग जाएगा हम लोग को पहुंचने में। चलते हैं।